हैं साहब, गुड मॉर्निंग जी व्यूअर्स। आज तो ना मैं सुबह उठी तो मैंने जल्दी जल्दी से ना यही प्लान किया कि ना बच्चे जब तक गए हुए हैं तो तब तक ना अपना ना काम जल्दी जल्दी से करते हैं। तो जी मेरे काउंटर से मैं 3-4 दिन से देख रही थी, इन काउंटर्स के बर्तन कुछ निकालने थे, कुछ उसमें नए लगाने थे। तो मैंने सुबह सुबह ही उठ के ना पहले ये काम शुरू कर दिया और बर्तन काफ़ी वॉश किए, अच्छी तरीके से काउंटर्स वगैरह साफ़ किए और देखें कितने बर्तन पड़े हुए हैं शेल्फ़ पर। और इधर लहसुन और अदरक मैंने छील के रखा हुआ था कि इनको पीस लूँगी फिर। और जी ये देखें आप, कितने खलारे मैंने डाले हुए हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मैंने सारा कुछ, 2 घंटे मुझे लगे सब कुछ अच्छी तरह से धुल भी गया और अपनी जगह पे कैबिनेट्स में लग भी गया। और जी इधर एक बॉक्स मुझे मेडिसिन का नज़र आया। जी मेडिसिन तो ऐसे भरी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं कितनी मेडिसिन है इसमें। तो जब देखा आधे आधे उनके रैपर जो कहते वो खाली थे, तो मैंने फिर उनकी कटिंग की तो इस तरह बॉक्स भी हल्का हो गया थोड़ा। अब जी मैं ना खाना पकाने लगी थी, तो आपको मैंने दिखाया था कल मैं चोपड़ लेके आई थी नया और कुछ बर्तन लेके आई थी। तो ना मेरी जान को सुकून नहीं आ रहा था, मैंने कहा ये चोपड़ इस्तेमाल करके तो देखो ये काम भी करता है कि नहीं करता। तो मैंने ना आज इसमें प्याज चोप किए थे और ये ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे चोप हो गए, 1 मिनट भी नहीं लगा और ना ये प्याज बड़े अच्छे से इसमें हो गए। तो जी मेरे पास तो कोई नया बर्तन आ जाए तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको फटाफट से इस्तेमाल कर लूँ। तो इधर यही जो मेरा नॉन स्टिक का मैं कल ये लेके आई थी एक पैन, तो इसमें ना मैंने 1 कप घी डाला, उसमें ना मैंने ये 2 प्याज ये चोपड़ से ही मैंने चोप किए थे तो ये बड़ा अच्छा चोप हुआ। तो इसमें अब मैंने प्याज डाल दिए, इन प्याज़ों को ना मैंने लाइट सा कलर देना गोल्डन सा बस। अब इसमें मैंने गरम मसाले ऐड किए, जिसमें थे 1 तेज़पात था, पत्ता जो होता है वो था, और 2 लौंगे थी, 2 मोटी इलायचियाँ थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा था। प्याज़ों को ना मैंने इतना ना वो नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस लाइट लाइट सा मैंने कलर देना। और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया और जो है उसको अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए मैंने बस भूना है। और जी अब इसमें जो है ना मैं दाल को बना रही हूँ, तो मैंने दाल जो थी ना चने की दाल उसको ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 1 प्याली चने की दाल को मैंने भिगो दिया हुआ था। तो इधर जी मैं इसकी मसाले की तैयारी कर रही थी, तो इसमें अदरक लहसुन अब मैंने बस 1 मिनट तक भूनना है इसमें। अब जी ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट में भुना जा चुका था। अब ये जो मेरे पास मटन है वो तकरीबन 1/2 किलो से ज़्यादा है, तो ना ये मैंने अब इसमें डाल दिया। अब जी इसको हम कवर करके ना रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो है ना इसके अंदर जो स्मेल होती है मटन के अंदर वो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इधर अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला है तो 3 मिनट तक उसके अंदर सब कुछ ये कुक होगा ना, तो ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो जी अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे और भुनेंगे और फिर बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे।
जी हमने इसमें अब मसाले ऐड करने हैं, तो एक चम्मच जो सूरह मिर्च पिसी हुई वो ऐड करेंगे, और इसके साथ जी एक चम्मच हमने नमक का ऐड कर देना है, और आधा चम्मच से भी कम हमने हल्दी लिया वो ऐड किया इसमें, और साथ में मैंने थोड़ा ना ज़ीरे का पाउडर ऐड किया था आधा चम्मच, तो जो सूखा धनिया का पाउडर है वो अभी हम ऐड नहीं करें। धनिए के पाउडर को ना हमने थोड़ी देर बाद ऐड करना है, पहले हम इसको ना 2-3 मिनट के लिए ना ऐसे इसकी भुनाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से अब ना मैं थोड़ी देर भूनूंगी 2-3 मिनट के लिए। इसमें ना मैंने अभी ना सूखा धनिया का पाउडर नहीं ऐड किया, क्योंकि सूखा धनिया का पाउडर मैं ना तकरीबन जब आधा खाना पक जाए, मसाला हमारा आधा भुना जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूंगी। और सूखा धनिया जो है ना पिसा हुआ, वो कोशिश यही किया करें कि आप घर में उसका ना पाउडर बनाएं, बाहर से आता है ना उसका ना अच्छा कलर भी नहीं निकलता और स्मेल सी भी होती है, और जो घर में साबुत मंगवा के उसको पिसा जाता है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो जी अब मैंने ना 2 टमाटर थे तो वो इसमें ऐड किए हैं, उनका पेस्ट बना लें या उनकी कटिंग कर लें। तो मैं ज़्यादातर ना टमाटरों के छिलके उतार लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ्रीज़ करके टमाटर रखे होते हैं, तो जब उनको पानी में हम डिप कर देते हैं तो उनके छिलके उतर जाते हैं, फिर उनको ना मैं पीस लेती हूँ। तो इस तरह से ना मैं छिलके हमेशा उतार के मैंने खाने में डालने टमाटरों के। अब 2-3 मिनट के लिए मैंने इसके ऐसे भून लिया, अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी मैं, क्योंकि मटन को ना अगर आप ओपन पका रहे हैं प्रेशर के बगैर तो तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं इसके कुक होने में, और अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो फिर तो वो 10 मिनट में गल जाता है। तो इधर जो चनों की दाल थी मेरे पास वो 1 से 1.5 कप जितनी थी, उसको मैंने प्रेशर में ना हाफ बॉइल्ड कर लेना है। हाफ बॉइल से मुराद है कि ना फिर उसको मैं जब मटन में शामिल करूँगी तो वो कुछ देर मटन में भी कुक होगी, तो इसके साथ ही ना वो मटन के साथ अच्छी तरह से ना गल जाएगी। तो जी मैंने इसको हाफ बॉईल कर लिया था दाल को, और इसको मैंने मटन में ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह से मैंने ढक्कन खोला, बहुत प्यारी खुशबू आई, बहुत अच्छी। अब जी इसको मैं अच्छी तरह से, अब दाल भी इसमें डाल दी हुई है तो इसको मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी अच्छी तरीके से, कि ये ना दाल भी हमारी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसके अंदर ना 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और ये देखिए अब ये ना तकरीबन दाल हमारी कुक हो चुकी है, मटन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से, मटन भी गल चुका हुआ है और दाल भी हमारी ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई है। अब जी यहाँ पर आप ना ग्रेवी रखना चाहे ग्रेवी रख सकते हैं, अगर आप इसमें मतलब कि आप शोरबा टाइप पसंद करें तो इसको शोरबा टाइप भी बना सकते हैं। तो मैं जो है ना मैं इतना रखती हूँ, ये देखें ये हमारा अब ये दाल गोश्त का जो है सालन रेडी हो चुका है।